गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम फिफ्थ क्लास का चैप्टर फॉर त्योहारों का देश हिंदी लिटरेचर में पढ़ रहे हैं। उलस रहा माटी का कण कण उमड़ रही रस्तार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन वहीं खुशी से फूली नहीं समाती है। घरवा हर झूले ही गाते राग मला रहे, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। तो बच्चों, आपको मालूम है सबसे ज़्यादा फेस्टिवल या सबसे ज़्यादा त्यौहार किस देश में मनाए जाते? तो सबसे ज़्यादा त्यौहार अपने भारत देश में मनाए जाते। हमारे इस मातृभूमि में, इस देश पर बहुत सारे त्यौहार तीज बनते हैं। उलस रहा माटी का कण कण, भारत देश की मिट्टी का कण कण प्रसन्नता के साथ में भरा हुआ है, और वहाँ पर क्या बह रही है? रस की धारा बह रही है, क्योंकि हमारा जो देश है कैसा देश है? त्योहारों का देश है, और हमें इससे क्या है? बहुत प्यार है। सावन, जब सावन आता है ना, तो चारों तरफ हरियाली चाहते हैं। अब अपने सावन का महीना चल रहा है, तो चारों ओर आपने देखा होगा कि हरी भरी घास है, ये हरियाली चारों तरफ छाई हुई है, पेड़ पौधे हरे हरे दिख रहे हैं, उन कितनी हरियाली छाया हुआ मौसम है। और महिलाएं क्या करती है इस वर्षा ऋतु में? क्या करती है? गीत गाती है और झूले झूलती है। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत को क्या बोलते हैं हम? मलार, एक प्रकार का ये राग है, जो कि वर्षा ऋतु में झूले झूलते वक्त जो महिलाएं गाती है उसे मलार कहते हैं, वो गाया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जो भारत देश है वो हमारा त्योहारों का देश माना गया है। जैसे त्यौहार आते हैं तो सबसे पहले आता है सावन का त्यौहार, तो उसमें क्या होता है? चारों ओर हरियाली छा जाती है। और उसी में एक त्यौहार आता है, वो कौन सा त्यौहार है? भाई बहन का राखी का त्यौहार, जो अभी थोड़े दिन पहले गया है। उसमें क्या होता है? बहन खुशी से फूली नहीं समाती है, बहन बहुत खुश होती है उस दिन, और घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मला रहे। और झूलों पर क्या करती है औरतें? झूला जब झूलती है तो उनमें वर्षा ऋतु के अंदर गाए जाने वाला एक मलार होता है, गीत होता है, उसको मलाहर बोलते हैं। उस गीत को खुश होकर के गाती है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। और भाई हमारा त्योहारों का देश है बच्चों, इसलिए हमको इससे बहुत प्यार है। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाता है, हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगे, आज़ादी का दिवस कौन सा है भाई? आज़ादी का दिवस है अपना 15 अगस्त, क्योंकि अगस्त में ही अपने राखी आती है, और उसी समय क्या आ जाता है? 15 अगस्त, यानी कि आज़ादी का दिवस। तिरंगा घर घर पर लहराता है, हर घर घर में आज़ादी के जो गीत गाए जाते हैं, और घर घर में क्या अपना तिरंगा, तीन रंग का तिरंगा है जो ध्वजा है वो लहराई जाती है। वीर शहीदों की गाता है, हमको याद दिलाता है। और जो तिरंगा है ना, हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने बलिदान दिया था उनकी गाथाएं, यानी उनकी कथाओं को याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। जब हमें उन वीरों की याद आती है तो अपना मन भर जाता है, किनसे? भावों से, उन चीज़ों से भर जाता है, एक इमोशनलता आ जाती है। और माँ की जय जयकार है, हमारी भारत माँ की हम जय जयकार करते हैं, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। इसलिए हम कहते हैं कि ये त्योहारों का देश है भारत देश, जिससे हमको क्या है? प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फूल झड़ियाँ खिल बतासे हैं, धूम धड़ाके और फटाकों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, भाई हर वर्ष क्या आता है? अब दशहरा आता है, अगस्त के बाद में सितंबर अक्टूबर नवंबर आ जाती है, जिसमें क्या आती है? दिवाली। तो दिवाली से पहले क्या आ जाता है? दशहरा। तो आता है हर वर्ष दशहरा, हर वर्ष क्या आता है? दशहरा। होते खेल तमाशे हैं, उस समय मेला लगता है, खेल तमाशे होते हैं, और बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो दशहरे पर किए जाते हैं। दिवाली पर दीपदान फूल झड़ियों की खिल बताते हैं, उसके बाद में क्या आती है? दीपावली आती है, तो वहाँ क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं, दीप दान करते हैं, एक दूसरे के घर पे हम दीपक रख करके आते हैं, फूल जड़िया खिल बताते हैं। और जब लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं उस समय
फूल जड़ी वगैरह खेल पताशे उनसे हम पूजा पाठ करते हैं, धूम धड़ाके और फटाकों की कैसी भरमार है, और खूब धूम धड़ाके करते हैं, पटाखे चलाते हैं, उनकी कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, और हमारा देश क्या है, त्योहारों का, और हमको इससे प्यार है। भाईचारे का संदेश ले, ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयां सबके मन को भाती है, खेल खिलौने बातें बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। अब इसके बाद में क्या आती है, अपने ईद, तो ईद क्या लाती है, भाई संदेश, भाईचारे का संदेशा। हम ईद के दिन एक दूसरे के गले लगते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, तो ये क्या है, अपने भाईचारे का संदेशा देती है। कौन देता है, ईद। मीठी खीर सेवैयां सबके मन को आती है, सबके घरों में ईद पर मीठी जो सेवैयां हैं, किसी के खीर ये बनती है, कैसी है, सबके मन को भाती है, सबको अच्छी लगती है ना मीठी मीठी खीर। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। फिर उसके बाद क्या आती है, क्रिसमस कब आती है, 25 दिसंबर को, और उसमें क्या मिलते हैं बच्चों को, खेल खिलौने और उपहार यानी गिफ्ट सबको मिलती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, इसी कारण तो ये देश हमारा कैसा है, भारत देश त्योहारों का, और हम सबको इससे बहुत प्यार है। लोकतंत्र की झांकी ले, 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में ढप ढोल मजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हाँ, लोकतंत्र की झांकी ले, 26 जनवरी आती है, लोकतंत्र की झांकी ले, 26 जनवरी क्या है, लोकतंत्र अपना गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त है अपना आजादी का दिवस, तो इसके बाद क्या आ जाती है, 26 जनवरी। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, फिर क्या होता है, उस समय वसंत का मौसम आ जाता है, तो उनकी खुशबू, पीले पीले जो फूल खेतों में उगते हैं ना सरसों के, तो उसकी खुशबू अपनी झोली में भर जाती है, और उसी समय किसका महीना आ जाता है, होली का, मार्च का महीना, होली फागुन, होली में ढप ढोल मजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और बसंत का महीना आता है, उसमें फागुन का उत्सव होता है, और होली का त्योहार आ जाता है, जिसमें ढोल मजीरे और गुलाल रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। हमारा देश कैसा है, त्योहारों का, और हमको इससे बहुत प्यार है। तो बच्चों, ये हमारा भारत देश 30 त्योहारों से भरा हुआ है, और इसलिए हमको ये बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, त्योहारों का देश, इसकी जो वर्कशीट है हम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।